टेक्स्ट में हमारे सामने है, ये अगरबत्ती जलाया उसके धुएं को फ्लो फ्लूइड कहते हो, तो फ्लूइड कहते हो तो उसमें आप बड़े आराम से कह सकते हैं दो टुकड़े हुए, स्ट्रीमलाइन फ्लो जहां तक अच्छे बच्चे की तरह धुएं वाले मॉलिक्यूल चल रहे हैं, और उसके बाद फिर टर्बुलेंट फ्लो जिसके बाद मॉलिक्यूल स्वतंत्रता दिवस मनाने लगते हैं। हम लोग रूल कहां फॉलो होते देख रहे हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो में, हमारे सिलेबस में है स्ट्रीमलाइन फ्लो, ध्यान रखिएगा। टर्बुलेंट फ्लो में कोई रूल ही नहीं है तो हम पढ़ेंगे क्या, तो स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हिंदी भाषा में टर्बुलेंट फ्लो के लिए एक बड़ा अच्छा शब्द है विक्षुब्ध प्रवाह। विक्षुब्ध मतलब पागलों जैसा, पागलों तो पागल को तुम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ समझाओगे, सर्वर फोड़ देगा बेकार में, उससे दूर ही रहो। तो मतलब टर्बुलेंट फ्लो में कोई रूल नहीं है फिजिक्स का, फिजिक्स का रूल कहाँ पर है स्ट्रीमलाइन फ्लो में। और स्ट्रीमलाइन फ्लो में आपने डायग्राम बना, अरे डायग्राम बना लो यार, उसमें कंप्लीट करने में सोचो मत। और वो एक लीटर दो लीटर भीतर से आया एक तरफ से और दूसरी तरफ से दो लीटर निकल आया, इतना ही कर दो। और उसके बाद फिर ये विचार करो कि यहाँ पर मास कंजर्व्ड है, तो मास कंजर्व्ड है का मतलब जितना मास एक तरफ से इंटर करता होगा उतना ही मास दूसरी तरफ से निकलता होगा पर यूनिट टाइम। तो जो हम डी एम बाई डी टी इन देखेंगे और दूसरी तरफ से डी एम बाई डी टी दूसरे सिरे पे आउट लिखेंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल कर दो, डी एम बाई डी टी इन और डी एम बाई डी टी आउट, इन दोनों को इक्वल कर दो। और सोचो डी एम बाई डी टी, तो आप डी एम बाई डी टी में क्या लिखते, ये जो एम इन या एम आउट, तो इसका मतलब ये भी कर सकते हो ना, ए ये डी एम बाई डी टी हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ए इंटू वी हो जाता है इंटू डेंसिटी, तो ए वन वी वन इंटू डी, और वो हो जाएगा ए टू वी टू इंटू डी, डी डेंसिटी है, तो ये डी और डी कैंसिल आउट कर दो, तो जो ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या आ गया, ये आ गया ए वन वी वन इक्वल्स टू ए टू वी टू। अब आप में से कुछ बच्चों को यदि ये लग रहा हो कि डी एम बाई डी टी इन को ए वन वी वन डी क्यों लिख दिया, तो ध्यान से देखना ना, ए वन वी वन का यूनिट हो जाता है ए वन मीटर स्क्वायर और वी वन मीटर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड, वॉल्यूम पर सेकेंड जो इंटर कर रहा है वो है ए वन वी वन, और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास पर यूनिट टाइम हो जाएगा इन होने वाला। ए वन वी वन इक्वल्स टू ए टू वी टू, ये वी वन वी टू क्या है, तो यहाँ पानी का स्पीड है वी वन और यहाँ पानी का स्पीड है वी टू। अच्छा वी वन वी टू में ज्यादा कौन होगा और कम कौन होगा, तो वी टू ज्यादा होगा और वी वन कम होगा। तो ये हम लोगों ने यहाँ फ्लूइड मैकेनिक्स में देख लिया वी वन वी टू वाला कहानी। अब हम आगे यदि बढ़ते हैं, अब हम यदि आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है एक पार्ट कि यदि कोई पाइप है और उस पाइप में हमें कई सेक्शन दिख रहा है। हाँ मुझे ये बताओ कि एक क्लासरूम से बच्चे भाग रहे हैं बाहर और क्लासरूम से लाइन लगा करके बच्चे आए और सीढ़ी सकड़ी है, तो सीढ़ी के पास पहुंचेंगे तो हो सकता है कि वहां पहले तो आ रहे थे पीछे से चार बच्चों का लाइन और वहां केवल दो लाइन नीचे जा रहा है, तो बच्चे रुके नहीं, तो क्या करना होगा, जहां सकड़ी है वहां पर स्पीड वही रखेंगे तो काम चलेगा या स्पीड वहां बढ़ जाए तभी वो सारे बच्चे निकल पाएंगे एक कॉन्स्टेंट स्पीड से। तो जो मॉलिक्यूल लाइन लगाकर आ रहे हैं एक तरफ से आ रहे हैं दो लीटर पर सेकेंड और दूसरी तरफ पहुंचना भी है दो लीटर पर सेकेंड, लेकिन जहां एरिया कम हो गया है वहां पर क्या हो जाए कि वो सारा पानी बाहर निकल आए स्पीड को, तो बस इतना सा याद रखो। घर बगीचे में पानी देने जाते हैं लक्ष्य, तो पानी के पाइप को यदि हम एरिया कम कर दें तो उसके बाद वेलोसिटी क्या दिखता है, वेलोसिटी ज्यादा दिखता है, तो हम क्या कह सकते हैं, एरिया कम कर दें वेलोसिटी ज्यादा, बस इतनी सी बात। तो आप बगीचे में पानी देते हैं उसी से याद रखिए, बगीचे में पानी देते हैं तो उससे क्या याद रह सकता है, सोच लो कि हम पाइप का एरिया कम करें तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, बस ये एक लॉ हुआ। तो अब आप यहाँ पर यदि देखते हैं 3.1, 2 और 3 स्ट्रीम लाइन फ्लो कहा गया, स्ट्रीम लाइन फ्लो कहा गया। मुझे ये बताइए कि जो स्पीड आप देख रहे होंगे स्पीड के लिए क्या खास बात होगी, वन वाला स्पीड जो वी वन है या वी टू है या वी थ्री है, इनके बारे में बताना है आपको, कहाँ का स्पीड ज्यादा कहाँ का स्पीड कम, ये आपको सोचना है, कहाँ का स्पीड ज्यादा, सबसे ज्यादा टू का,
तो वी टू सबसे ज्यादा, तो हम देख रहे हैं क्या कि ए टू सबसे कम है, उससे बड़ा है ए वन, और ए थ्री जो है सबसे बड़ा है, तो वी थ्री सबसे कम होगा, वी वन उससे बड़ा होगा और वी टू सबसे बड़ा होगा। तो ये सिंपल छोटा सा आइडिया है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसे कह रहे हैं आप, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आया हुआ रिजल्ट है। तो स्पीड की बात आप जब करते हैं, और स्ट्रीमलाइन फ्लो को कैसे हम लोगों ने डिस्क्राइब किया है, अगरबत्ती के शुरू में जो मॉलिक्यूलों को हम ऊपर आंखों से आता देखते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि उन सारे मॉलिक्यूलों का स्ट्रीमलाइन फ्लो में वेलोसिटी एक जैसा होता है क्या? अकल लगाओ तो, क्या स्ट्रीमलाइन में वेलोसिटी एक जैसा होता है? सर लग तो रहा है। अच्छा सोचो, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम, लेकिन वो जो धुआं ऊपर की तरफ आ रहा होता है वो ग्रुप में लेफ्ट या राइट शिफ्ट होता रहता है, वो ग्रुप में शिफ्ट होता रहता है, तो वेलोसिटी नहीं फिक्स है। हम क्या देख रहे हैं कि आप जिस किसी एक पॉइंट को चुनेंगे, वहां एक मॉलिक्यूल जिधर जाएगा पीछे से आने वाला मॉलिक्यूल भी उसी रास्ते को फॉलो करेगा। मतलब एक किसी पॉइंट पर हम यदि स्ट्रीमलाइन के फोकस करें, तो वहां एक मॉलिक्यूल जो रास्ता चुनेगा, वहां से गुजरने वाला दूसरा मॉलिक्यूल भी उसके जस्ट पीछे वाला वही रास्ता चुनेगा, उसी डायरेक्शन में मूव करता दिखेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ऐसा यदि फ्लो होता है, दैट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। और टर्बुलेंट फ्लो में वो स्वतंत्रता दिवस, कोई मॉलिक्यूल एक पॉइंट पे एक मॉलिक्यूल पहुंचा तो राइट गया, दूसरा गया लेफ्ट, तीसरा गया सीधे, चौथा गया और कहीं, तो वहां ऐसा यदि कोई पॉइंट चुन के आप फ्लो को डिस्क्राइब करते देख रहे हैं, तो टर्बुलेंट फ्लो के कैटेगरी में चला जाएगा। और हमारे पास रूल सारे स्ट्रीमलाइन फ्लो के हैं। अरे और कौन सा होता था, पी प्लस रो जी एस प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट बर्नौली, तो दूसरा वहां स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए बर्नौली थ्योरम, ये क्या कहता है, ये इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये क्या कहता है कि आप यदि देख रहे हैं पाइप का हाइट अलग अलग, वहां जो लिक्विड है स्ट्रीमलाइन फ्लो में, इनके वेलोसिटी ये वन पॉइंट कह रहे हैं, इनका वेलोसिटी वी वन, यहाँ जो वेलोसिटी वी टू, एरिया ए वन, यहाँ ए टू। तो ये क्या कहता है थ्योरम कि पी वन प्लस रो जी एच वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू पी टू प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर। ये डायग्राम के साथ सेट करिए, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। और यहां इसको मैं और बेहतर एक फॉर्म में यूज करता हूं, व्हेन एच वन इज वेरी क्लोज टू एच टू, मतलब टू पॉइंट्स आर प्रेजेंट इन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, व्हेन टू पॉइंट्स आर प्रेजेंट इन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। तो हमारे पास रिजल्ट कैसा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, P1 plus half rho V1 square equals to P2 plus half rho V2 square, या इसे ऐसे लिख देते हैं, P plus half rho V square equals to constant, मतलब जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां प्रेशर कम, जहां वेलोसिटी कम वहां प्रेशर ज्यादा, P plus half rho V square equals to constant। प्लीज नोट कर लीजिए सर, P1 P2 कहाँ पे? अच्छा, लिक्विड जो होता है, जैसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, इस रूम में कहाँ पर प्रेशर होगा वन एटम? बस, तो वो जो पानी का एक पॉइंट वन चुना है आप, उसके आसपास सभी जगह, वो प्रेशर का अपना कोई डायरेक्शन तो नहीं होता, आपको पता है, तो प्रेशर कहाँ? वन पॉइंट के आसपास सभी जगह यही प्रेशर होगा, और टू पॉइंट के आसपास जो प्रेशर होगा वो पी टू होगा। कहां पर? तो पाइप के भीतर, वो पाइप के भीतर आप फ्लो में ना, फ्लो की ना बात कर रहे हैं, तो फ्लो में पॉइंट चुनेंगे, हवा में पॉइंट चुन के, तो हम हवा के फ्लो की अभी नहीं चर्चा कर रहे हैं, पानी के फ्लो की चर्चा कर रहे हैं। और रो भी किसका लेंगे, तो रो भी लेंगे इसी का, पानी का ही,
क्योंकि पानी ही तो है V1 V2 उस A1 और 2 वाले पॉइंट का प्रेशर है जहां आपने V1 V2 स्पीड देखा है। हाँ सर, जहां आपने V1 V2 स्पीड देखा है पानी के उस जगह जो प्रेशर मौजूद है। तो सर क्या इस स्ट्रीमलाइन फ्लो में अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर होगा? अरे ये डिपेंड करता है, हो भी सकता है, नहीं भी। सोचो यदि V कौन सेम है दो पॉइंट पे, तो V सेम है इसका मतलब प्रेशर भी सेम हो जाएगा स्ट्रीमलाइन फ्लो में यदि है, क्योंकि सेम लेवल में यदि है तो सेम लेवल में हमने क्या लिखा है V प्लस हाफ रो V स्क्वायर कांस्टेंट। अलग अलग लेवल में है तो फिर ऊपर वाला इक्वेशन फॉलो होगा V1 प्लस रो G H1 प्लस हाफ। तो वहां पर यदि आप ये इक्वेशन लिखते तो वो ऐसे लिखा जाता V प्लस रो G H प्लस हाफ रो V स्क्वायर कांस्टेंट। मतलब उस ऊपर वाले आइडिया को ऐसे लिखते हैं P प्लस रो G H प्लस हाफ रो V स्क्वायर कांस्टेंट, तीनों मिल के कांस्टेंट। और यदि सेम लेवल है तो रो G H1 रो G H2 गायब हो गया, तो हम क्या कर देंगे P प्लस हाफ रो V स्क्वायर कांस्टेंट। मतलब प्रेशर कम वेलोसिटी ज्यादा, प्रेशर ज्यादा वेलोसिटी कम। ये जो दो इक्वेशन है यही गाइडिंग रूल्स हैं इस टॉपिक में। ये जो दो रूल्स हैं यही गाइडिंग रूल्स है इस टॉपिक में। प्रेशर कम तो वेलोसिटी ज्यादा, सेम लेवल में दो पॉइंट हो स्ट्रीमलाइन के फ्लो के दौरान उस समय। वैसे तो बोलो अभी, अब ये जो रूल कहेगा वही कहेंगे, ठीक है। रूल क्या कह रहा है, आर्कवेनिस बर्नौली बड़ा मेहनती था, ठीक ना, बड़ा मेहनती था। रूल क्या कह रहा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो यदि किसी पाइप में है तो पी प्लस हाफ रो भी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब तुम्हें सोचने का मौका देंगे, तुम सोचो ना, जाने का मौसम है, नहाने का फिर भी विचार बन गया। यदि बाई चांस ऐसा मूड बना तो ज्यादा देर मत करो, पहुंच जाओ बाथरूम, क्या पता बदल जाए मूड थोड़ी देर में। अभी फिलहाल मान लो पहुंच भी गए, फिर तुमने देखा कि सावर से तो नहीं नहाएंगे यार, बहुत ठंड है, एक काम करते हैं बाल्टी में पानी भरते हैं, और पानी भरते भरते क्या पता मूड फिर बदल जाए। तो चलो पानी भरने के लिए तुमने नल के नीचे अपना पानी भरने के लिए बकेट लगा दिया, और अब पानी जो उसमें आता है तो बड़ा ठंडा, तुमने गीजर वीजर तो अभी नहीं लगवाई है, स्टूडेंट लाइफ में कौन गीजर से नहाए, छोड़ो हटाओ। तो अब मुझे ये बताओ कि पानी को ध्यान से तो देख सकते हो ना, नहाना बाद में, पहले देखो। तो पानी जो नीचे गिर रहा है नल के नीचे, क्या उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कभी गौर करते हो, क्या एक जैसा होता है या नीचे आने पे कम होता दिखता है? V1 बढ़ जाता है सर, कभी देखा है? पक्का देखा है, बहुत बढ़िया। अब कहानी ये बनता है कि आप यहाँ देख रहे हैं ये H height, ठीक ना, तो आप यहाँ पर जो निकलता देख रहे हो एरिया A नॉट और स्पीड V नॉट, और यहाँ पर जो एरिया है A1 और स्पीड V1, तो हम लोग ढूंढना चाहते हैं A1 कितना होगा और V1 कितना होगा H height नीचे पानी जो बर्तन में इंटर कर रहा है उस समय, पानी जो बर्तन में इंटर कर रहा है उस समय कितना होगा वेलोसिटी और एरिया। तो कैसे सोचेंगे, तो एक इक्वेशन तो सीधा सीधा आता है सॉल्व करते वक्त, ये तो हो गया एग्जांपल। डायग्राम बना लीजिए कॉपी पे, एक बाल्टी बनाइए, एक नल बनाइए, पानी नीचे आने दीजिए और एरिया को फिल करिए, और अब मुझे बताइए कि कौन कौन सा इक्वेशन आपको हेल्प कर सकता है सोचिए। एनर्जी कंजर्वेशन बर्नौली, एक तो बर्नौली इक्वेशन और एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, एक हो जाएगा A0 V0 = A1 V1 पहला इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन देखना वन वाला जो ए नॉट वाला जो पॉइंट है वो भी आपने एटमॉस्फेयर में ही लिया है, जस्ट पाइप के बाहर, कहाँ लिया है पाइप के बाहर, और ये जो वन वाला पॉइंट है ये भी एटमॉस्फेरिक ही लिया है। पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच के बदले जीरो, उसको रिफरेंस मान लिया, हाफ रो V1 स्क्वायर, तो ये पी नॉट भी चला गया, टाटा बाय बाय। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, रो जी एच प्लस हाफ रो V0 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ रो V1 स्क्वायर। यहाँ से चेक करिएगा रो चला गया, और ये चेक करिए 2 आ गया इधर, तो V1 का वैल्यू हो गया अंडर रूट V0 स्क्वायर
प्लस टू जी एच, जैसे एच हाइट से कोई बॉल फेंकते हैं वी नॉट स्पीड से, तो एच हाइट नीचे जाते जाते उसकी स्पीड हो जाती है वी नॉट स्क्वायर प्लस टू जी एच। अरे ये तो काइनेमेटिक्स जैसा कुछ आ गया। अरे तो मैकेनिक्स बदल थोड़े ना जाएगा, मैकेनिक्स तो मैकेनिक्स ही रहेगा। हाँ, सोचने का तरीका बदल जाता है। हमने यहाँ काइनेमेटिक्स नहीं कहा, हमने कहा बर्नौली इक्वेशन, क्योंकि स्ट्रीमलाइन फ्लो दिख रहा था। रिजल्ट बदल जाएगा फिर तो मतलब पता चला कि वो ग्रेविटेशन का लॉ जो अप्लाई करते थे वही गड़बड़ हो गया, वही बदल गई, ऐसा तो होगा नहीं। तो हम लोग यहाँ चेक करें तो हमें ये रिजल्ट मिलता है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। हाँ बहुत बढ़िया। एटमॉस्फेयर में यहाँ पर कोई पॉइंट बताऊं, यहाँ प्रेशर कितना होगा? तो यहाँ यदि पानी गिरता दिख रहा है ऊपर से नीचे, वहाँ प्रेशर चारों तरफ से जो है वही तो प्रेशर होगा। वन और टू पॉइंट पे लगाई, ऊपर और नीचे नहीं, पूरे रास्ते से मुझे कोई लेना देना नहीं, किन दो पॉइंट्स पे लगाई है, वन और टू पे या जीरो और वन पे। तो जीरो पे प्रेशर कितना है? जीरो वाले पॉइंट पे, जीरो वाले पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और अब बताइए यदि जीरो वाले पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिख रहा है और वन वाले पे क्या दिख रहा है? इसीलिए दोनों जगह P1 और P2 दोनों P नॉट हमने रख दिया। सोच करके देखिए, एक होता है यहाँ, अच्छा फिर से एक बार देखिए, इस नल वाले में कोई डाउट हो तो बताएं प्लीज, कोई इक्वेशन कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो। लक्ष्य बालक पूछ लो। चलो देखते हैं आगे, मैं बात करता हूं नेक्स्ट पेज पर। आइए और देख करके मुझे बताइए कि यदि हमारे सामने इफ्लक्स वेलोसिटी एक टर्म आता है तो इनको समझने की कोशिश करते हैं कि एक बर्तन है, बर्तन में ऐसे हमने पानी भरा हुआ देखा और उसमें पिन लेकर एक होल कर देते हैं। तो पिन होल यदि यहां कर दिया तो पानी क्या भीतर से बाहर आते दिख सकता है? तो पानी जो बाहर से भीतर आते दिखेगा उसका कुछ वेलोसिटी भी होगा, यही भी जो है इसे इफ्लक्स वेलोसिटी कहते हैं। किसी पिन से होल कर दे किसी बर्तन में तो वहां जो पानी बाहर आते दिखेगा, अच्छा वो हॉरिजॉन्टल होगा या किसी एंगल पे आता होगा बाहर? सोच लो एक बार, यदि तुमने एक दीवार में छेद कर दी तो पानी उसमें से क्या आसमान की तरफ निकलेगा, जमीन की तरफ जाएगा या सीधे निकलेगा हॉरिजॉन्टली? अरे तो जाएगा बाद में ना, पहले निकला है उस समय वेलोसिटी किधर है, वैसा ही होगा कि नहीं? जैसे छत से हम पत्थर हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं वैसे पानी के भीतर से जो पानी वो टैंक के भीतर से जो पानी आया होगा वो हॉरिजॉन्टल ही तो फ्लो होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन उसके बाद आप सोचिएगा। अभी फिलहाल तो मुझे ये बताइए कि ये वेलोसिटी होगा कितना। तो ये वेलोसिटी कितना होगा तो उसके लिए कुछ टर्म्स मैं देता हूं। पहले ये टर्म आपके पास है एच, मान लेते हैं, और आपने दो पॉइंट चुन लिया, आपने एक पॉइंट चुन लिया वन और दूसरा पॉइंट चुन लिया टू, वन एंड टू दोनों पॉइंट को देखिए, और वन और टू पॉइंट पे बर्नौली इक्वेशन लिख रहा हूं। तो पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर, ये क्योंकि सेम लेवल में दो पॉइंट है वन एंड टू। वन पे टोटल प्रेशर देखो तो एक एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच, और वेलोसिटी देखो जीरो, क्योंकि वेलोसिटी वहां फ्लो नहीं हो रहा, फ्लो बर्तन में नहीं है, कहां पर है फ्लो? बाहर। तो बाहर वाला फ्लो का हम देख रहे हैं, बाहर प्रेशर क्या लेंगे मुकुल? प्रेशर कितना होना चाहिए बाहर? एटमॉस्फेयर सिर्फ पी नॉट, एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, वो बाहर में आ गया पॉइंट टू, और वहां पर हाफ रो वही इफ्लक्टिव वी स्क्वायर, हाफ रो वी स्क्वायर। अब यहां से चेक करिएगा, पी नॉट तो दोनों तरफ से चला गया तो रो जी एच इक्वल्स टू हाफ रो वी स्क्वायर, ये रो भी चला गया तो वी हो गया अंडर रूट टू जी एच। अरे ये तो वैसा ही आया जैसे एच हाइट कूद गया हो कोई मॉलिक्यूल, एच हाइट नीचे आने पे जो वेलोसिटी होता काइनेमेटिक्स में वैसा ही ये वेलोसिटी दिख जाएगा। अब आपके मन में एक अच्छे विचार आ सकते हैं कि सर वन और टू हमेशा अगल बगल लेंगे, कोई दीपक पे हाथ रख के शपथ ग्रहण किया है क्या? अरे ना, कंफर्टेबल होता है, इसलिए आप चाहें तो इनको अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने एक थ्री पॉइंट लिया और थ्री और टू के बीच में सोचते हैं, थ्री और टू के बीच में यदि हम लिखना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे,
P3 plus rho g H3 plus half rho V3 square equals to P2 plus rho g H2 plus half rho V2 square. अब ध्यान से देखो, P3 एटमॉस्फेयर में है क्योंकि सरफेस का पॉइंट है और वहां वेलोसिटी नेग्लिजिबल होगा, पानी का लेवल नीचे तो आ रहा है लेकिन कोई ऐसा नहीं कि आंखों से देखे वो नीचे गया, क्योंकि पिन से होल किया है, यानी कि फोड़ दिया पूरा, तुरंत खाली होने वाला है डब्बा, तो हाँ तो वो पिन होल इसीलिए लिखा है, तो उससे अंदाजा ये लग जाना चाहिए। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगा रोजी H3 के बदले, ध्यान से देखो, हमने 2 वाले को रेफरेंस मान लिया, उसका हाइट 0 यदि कर दें तो 3 वाले का हाइट कितना हो जाएगा H, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि रो जी एच प्लस वेलोसिटी वाला तो 0 है, 3 वाले पॉइंट, ऊपर वाले पॉइंट का वेलोसिटी 0 है, ऊपर वाला पॉइंट केवल मार्क कर दो तो दिखने लगेगा तुम्हारे चित्र में, और P2 तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 हो जाएगा, रोजी एच वाला पार्ट 0 हो गया क्योंकि उसे हमने रिफरेंस मान लिया है, और हाइट के बारे में और उसके बाद वेलोसिटी के बारे में हाफ रो वी स्क्वायर। अब चेक करिए, इससे भी देखिएगा P0 कट गया, फिर वही रिलेशन आ गया वी इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। अब ये देखते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी आया है, पूरा कंप्यूटर ये स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे याद रखें, v=√2gh, प्रूफ कहीं से भी आए। वेलोसिटी क्या, अपने अपने कॉपी पे कंप्लीट कर लीजिए, डायग्राम 1 और 2 वाले पे ही कम से कम कंप्लीट कर लीजिए, 3 और 1 तो हाँ, तो बस 3 और 2 तो टाइम पास था, वो तो ये बताने के लिए कि ठीक है 3 और 2 तो अपना टाइम पास है, 1 और 2 से अपना काम चल जाएगा। वृंदा कल क्लास में नहीं थी आप क्या? नहीं सर थी। अच्छा, वो डायनामिक्स स्टैटिक्स वाले पार्ट में कंफर्टेबल हो गए हैं या कोई डाउट उसमें? नहीं नहीं हो गया। ठीक है। किसी को यदि स्टैटिक्स वाले पार्ट में भी कंफर्ट नहीं मिल पाया हो तो पर्सनली कह सकते हो, एक बार मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा, और यदि लगे कंफर्टेबल हो गए हैं तो आपको बुकलेट जो फ्लूइड का शेयर किया है उसमें शुरू के आप 30 क्वेश्चन देखेंगे, उनमें आपके आप सर्टेनली यदि आप बना लेते हो क्वेश्चंस तो मैं मान लूंगा कि आप सीख गए स्टैटिक्स वाला पार्ट। फ्लूइड मैकेनिक्स के एक्सरसाइज 1 में शुरू के 30 क्वेश्चन को बड़े ध्यान से ट्राई करिएगा, 1-2 क्वेश्चन इधर उधर होगा लेकिन बाकी सब हाइड्रो स्टैटिक्स का ही क्वेश्चन है, शुरू के 30 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 में। उसके बाद आता है 15 क्वेश्चन जो डायनामिक्स का है, और उसके बाद आता है 15 से 20 क्वेश्चन जो सर्फ एक जगह कहीं सरफेस टेंशन दिखेगा, फिर इलास्टिसिटी दिखेगा। तो यहाँ देखते हैं आगे, और हम लोग देखते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि बर्तन में जो एरिया दिया जाए वो एरिया मेंशनड हो A1, और जो छेद किया गया उसका भी एरिया हमें पता हो A2, तो आपको क्या लगता है कि लिक्विड जो है, जब हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड के यहाँ सेम लेवल में पॉइंट लेके सोचना आसान दिखेगा, या ऊपर वाले पॉइंट को सरफेस के पॉइंट को 1 कह दें और वो बर्तन में जो छेद है वहां से जो बाहर आ रहा है वो बाहर जस्ट जो बाहर पॉइंट है उनके लिए 2 कह दें। तो ये यदि ऐसा आप करते हैं तो सोचो, ये जो दूसरा वाला केस है, इस केस में जो बर्नौली थ्योरम आप लगा रहे होंगे, इस केस में बर्नौली थ्योरम लगाते वक्त क्या करो, एक डायग्राम बना लो अपने अपने कॉपी पे, जिस डायग्राम में क्या होना चाहिए, एक डब्बा
जिसका ऊपर वाला एरिया A1, नीचे वाला वो जो छेद किया उसका एरिया A2। एक डब्बा बनाइए जिसके ऊपर एरिया A1 और छेद जो किया है उसका एरिया A2। अब ऊपर जो पानी का सरफेस है वहां पानी का लेवल जरूर से नीचे आता दिखेगा, एरिया यदि कंपेरेबल है तो, और ऊपर का लेवल यदि नीचे आता दिखेगा पानी का बर्तन में, ऊपर का लेवल नीचे V1 से आते दिखेगा और छेद से बाहर जाता दिख रहा है V2 से। हाँ, फिर से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन, बस दो इक्वेशन लिख देंगे रिजल्ट आ जाएगा। हाइट ले लो 1 और 2 पॉइंट के बीच का h, हाइट ले लो 1 और 2 पॉइंट के बीच का h। तो अब हाइट भी आ गया आपके पास, डायग्राम बना लो कम से कम पहले, और डायग्राम यदि बन जाएगा तो कहानी अपने आप बन जाने वाली है। एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक बर्नौली इक्वेशन लिख दो। IIT ने इसे भी पूछा है एक बार, वो जो 90% चांस रहता है, 99% चांस रहता है कि A1 A2 नहीं देगा, 1% जो है, तो IIT ने पूछ ही दिया है एक बार, तो मतलब ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ गौर करते हैं इक्वेशन जो लिखेंगे, पहला इक्वेशन क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1V1 = A2V2, और दूसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, P1 + ρgH1 ρgH1 + ½ρV1² = P2 + ρgH2 + ½ρV2² अब ध्यान देना, P1 हो जाएगा P0 क्योंकि सरफेस पे है, ρgH1 के बदले H, मैंने डिफरेंस मान लिया 2 को, उससे H ऊपर है इसलिए P0 + ρgH + ½ρV² ρV1² आगे कितना हो जाएगा P0 क्योंकि दूसरा पॉइंट भी एटमॉस्फेयर में है प्लस डिफरेंस है तो ये 0 हाइट वाला पार्ट और ½ρV² ½ρV² तो यहाँ हम लोगों ने इन्हें भी आते देख लिया ½ρV² अब यहाँ से हम देख रहे हैं P0 कैंसिल आउट हो गया, एक हमें दिखने लगा ρgH ρgH। अब सॉल्व करने का काम तुम्हारा यार, सॉल्व कर लेंगे रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, दो इक्वेशन आपके पास आ गया है, उन्हें लिख लें सॉल्व कर, किसको क्लिक कर दो इसके, हाँ V2 निकालनी है तो V2 के लिए हम लोग बस दो इक्वेशन लिख लेंगे, सॉल्व कर लेंगे अपने डायनामिक्स वाले पार्ट में, यही इक्वेशन है। आप एक बर्तन में, पहले तो देखो, एक फिर से चित्र बना देता हूं, देखो इस बर्तन में आप देख रहे हैं पानी ऊपर से नीचे आता V1 स्पीड से, क्यों, क्योंकि छेद बड़ा है, छेद से बाहर निकल रहा है V2 स्पीड से पानी। तो आप मुझे बताइए इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, A1V1 A2V2 बराबर होने चाहिए, एक इक्वेशन खत्म। अब दूसरा इक्वेशन सोचिए, आप यदि दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं तो वन पॉइंट पे प्रेशर कितना है, वन पॉइंट पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेयर ही तो होगा P0, वहां पर हाइट के लिए क्या लिखेंगे ρgH, तो 2 वाले का हाइट क्या लिख कर देंगे 0, ठीक ना, राइट साइड में, और ½ρV1² और राइट साइड में प्रेशर कितना, तो वो भी कहाँ है, एटमॉस्फेयर में ही तो पॉइंट आया है 2, एटमॉस्फेयर ही में ना है पानी जा करके बंधन से निकल के बाहर जो गया, तो वो कितना आ गया, वो आ गया P0 + 0 + ½ρV2² अब यदि इक्वेशन लाना चाहते हैं, V2 निकालना चाहते हैं, तो देखिए इन दोनों को सॉल्व जो कर लेंगे तो अपना V2 आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ये आ गया, ये V2 चाहिए मुझे, तो इसको लेते जाते हैं राइट साइड, लेते जाते हैं राइट साइड, ½ρV2² - ½ρV1² ρgH, अरे तो रो को भी भगाओ यार, क्या कर लेगा, 2gH कर देता हूँ, राइट साइड में हो गया 2gH, और V2² ध्यान देना, V2² और V1² के बदले क्या आ गया है,
हाँ, ए टू बाई ए वन इंटू वी टू का होल स्क्वायर। तो यहां से आपको वी टू का वैल्यू मिल जाएगा अंडर रूट टू जी एच अपॉन वन माइनस ए टू बाई ए वन का होल स्क्वायर। अब ध्यान देखना, ध्यान से देखना, इफ इफ ए टू बाई ए वन या ए टू बाई ए वन, ए टू बाई ए वन या ए वन बाई ए टू, चेक कर लो, वी वन को रिप्लेस कर रहे हैं ए टू बाई ए वन। इफ ए टू बाई ए वन इज फार लेस देन वन, देन देन वन माइनस ए टू बाई ए वन स्क्वायर के बदले हम क्या लिख देंगे, वन। इम्प्लाइज दैट वी हो जाएगा, वी टू हो जाएगा अंडर रूट टू जी एच, जो हमारे पास पहले से था, अंडर रूट टू जी एच में हम पहुंच गए। क्या एक बार और समझाऊं लक्ष्य? ए टू और ए वन जो है उसमें ए टू यदि छोटा हो बहुत और ए वन बहुत बड़ा हो तो हम क्या देखते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं वो पार्ट ए टू बाई वन, फिर वही अंडर रूट टू जी एच वाला आ गया। सर इसमें मेनली यही याद रखना है ना, हाँ अंडर रूट टू जी एच, और थोड़ा अलग हटके याद मत करना इसे, क्योंकि ये कम यूज में आता है, ये डिराइव करना जब काम पड़े तो। तो याद रखना केवल अंडर रूट टू जी एच, एच हाइट से गिरेगा तो अंडर रूट टू जी एच। अब जब बात करते हैं आप बर्तन के, पाइप बर्तन में एक पिन होल कर दिया, यदि बर्तन में एक पिन होल कर दिया तो वहां से पानी निकल के नीचे तो आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये है स्मॉल एच और ये है टोटल एच, तो यहां से यहां तक का हाइट हो जाएगा एच माइनस एच, और यहाँ वेलोसिटी कितना है अंडर रूट टू जी एच। अब हमसे कोई ये पूछता है ये नीचे गिरने में कितना टाइम लगा, एस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, एस के बदले हो गया एच माइनस एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है पानी के निकलने पर, टी हो गया अंडर रूट टू एच माइनस एच बाई जी, और इतने में ये आगे कितना गया एक्स, जिसे आप रेंज कह देते, तो वो जो एस एक्स आता ये एस एक्स कितना आ जाता वी इंटू टी, तो वी इंटू टी का मतलब हो गया अंडर रूट टू जी एच इंटू अंडर रूट टू एच माइनस एच बाई जी। अब यहां से जी और जी तो भाग गया, ये आ जाएगा टू बाहर आ जाएगा अंडर रूट एच इंटू एच माइनस एच स्क्वायर। अब आप यदि ये चाहते हैं कि एस एक्स जो हो वो मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम हो तो इसके लिए क्या कर दोगे, डी एस एक्स बाई डी एच इक्वल्स टू जीरो कर दो। अच्छा ध्यान से देखना, यदि एस एक्स मैक्सिमम होगा तो एस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं फोर एच एच इंटू एच माइनस एच स्क्वायर, ये भी मैक्सिमम होगा, ऐसे सोच लो तो डिफरेंशिएशन आसान हो जाएगा। तो आप यदि इसको मैक्सिमम करते हो तो डी एक्स एस डी एस जैसे लिख रहे थे वैसे ही डी एस एक्स स्क्वायर बाई डी एच भी जीरो होना चाहिए। तो आप राइट साइड वाला डिफरेंशिएशन आपके लिए अब आसान है, ये 2h equals to 0, तो इससे हमें क्या पता चल गया, इससे हमें पता चल गया h equals to 2h, तो ये h by 2 equals to h, तो यदि h by 2 mid में यदि छेद करेंगे तो रेंज मैक्सिमम आएगा। तो मान लो डेरिवेशन हम भूल भी जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्या याद रखेंगे कि बर्तन के बीच में छेद करेंगे तो वहां से जो रेंज हमें मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा, और उसको इस चित्र से याद कर जाओ, ये डायग्रामेटिक अपने दिमाग में सेट कर दो, यदि एक पानी भरा हुआ बर्तन है और आप देखते हैं रेंज, ध्यान से देखिएगा ऊपर छेद करते हैं तो स्पीड बहुत कम होता है, थोड़ा और नीचे आए स्पीड ज्यादा, अब यहां देखते हैं हाइट एच बाई टू पे जब आ जाते हैं तो स्पीड मैक्सिमम, सॉरी रेंज मैक्सिमम, और उससे नीचे छेद करेंगे तो फिर से हम देखेंगे ये कम होता चला गया। ये बात समझ में आई, चित्र से सेट कर लो दिमाग में, स्पीड मैक्सिमम होगा सबसे नीचे, लेकिन उस समय प्रोजेक्टाइल वो बना ही नहीं, सीधे जमीन पे लेट गया। डिफरेंशिएशन वाला फिर से बताना, पहले मुझे ये बताओ एस एक्स तक पहुंच गए,
किसी तरह से, यदि किसी तरह से पहुंच गए तो तुम चाहते हो SX तुम्हारा मैक्सिमम हो। SX को पढ़ो एक बार, क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस अंडर रूट एच माइनस एच माइनस एच स्क्वायर। डिफ्रेंसिएशन जानते हो थोड़ा थोड़ा, एक काम करो SX मैक्सिमम का मतलब हो गया DSX by DH equals to zero कर दो। डिफ्रेंसिएशन करता हूँ, मुझे भी थोड़ा थोड़ा आता है, वो हो जाएगा H माइनस टू एच अपॉन ट्वाइस अंडर रूट एच एच माइनस एच स्क्वायर। चेन रूल अप्लाई कर दो नीचे, तो कुछ भी हो वो एच माइनस टू एच जीरो कर दो, एच माइनस टू एच जीरो, तो एच का वैल्यू हो गया कैपिटल एच बाई टू। ये आइडिया समझ में आ गया, स्क्वायर रूट जो भी है उसका वन बाई टू रूट एस हो जाएगा, फिर भीतर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो एच माइनस टू एच आ गया। डिफरेंशिएशन में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। y equals to root x है तो dy by dx बताओ, और y equals to under root 3x squared plus 8x है तो उसका डिफरेंशिएशन बताओ। वही गजब, 1 by 2 root x पक्का मान लेता हूँ सर, दूसरे वाले का भी मान लो अंडर रूट थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स, और फिर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स को करोगे तो सिक्स एक्स प्लस एट, चेन रूल। अरे भीतर वाले को अलग से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो यार, कैलकुलस का एक क्लास देता हूँ तुम। चल आगे बढ़ते हैं, यही काम करते थे तो जब y था ना ट्वाइस अंडर रूट एच एच माइनस एच स्क्वायर, हम ये था एस एक्स, तो इस SX को डिफरेंशिएट कर रहे हैं किससे, H है हमारा वेरिएबल H से, तो ये 2 तो जो था कांस्टेंट, रूट वाला नीचे आ गया ट्वाइस में रूट के साथ H माइनस H इनटू H माइनस H स्क्वायर, और बाद में जब डिफरेंशिएट करोगे तो H इनटू H का डिफरेंशिएशन में H आया और दूसरे वाले का 2H हो गया, बस इतना सा काम किया। पक्का? मेरा रिवीजन करवा रहा है बालक। चलो यहाँ देखते हैं, यदि ये समझ में आ गया तो अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, किसी पाइप से यदि पानी निकलेगा बाहर एरिया ए, तो क्या पाइप पे एक फोर्स आएगा या नहीं आएगा? और तुम्हें नहीं फील आया हो तो मैं एक काम करता हूं, सोचो कहीं बिल्डिंग में आग लगी है और फायर फाइटर्स आए अपने गाड़ी को लेकर और उससे बड़ा पाइप लेते हैं, उससे पानी फेंकना है बिल्डिंग पे और वो पाइप से पानी निकलेगा, तो क्या फायर फाइटर्स को होल्ड करना पड़ेगा उस पाइप को कि नहीं? हाथ में जोर से एक छोटे बच्चे को पकड़ा दो पाइप और उस फिर पानी ऑन कर दो तो क्या होगा? तो पाइप के साथ बच्चा एक तरफ पानी दूसरी तरफ, तो इसका मतलब है थ्रस्ट फोर्स जरूर आता होगा, फील करो उसे, वो तो किधर आएगा? जिधर निकला पानी उसके अपोजिट। तो वो जो पानी के इस फोर्स को हम लिखते हैं थ्रस्ट फोर्स, ये लिखा कैसे जाएगा? तो F थ्रस्ट लिखने का हमेशा एक ही तरीका है, वो क्या लिखते थे वेरिएबल मास सिस्टम में, dm by dt into v relative, जिस स्पीड से वो पानी बाहर आया और साथ में dm by dt जो होगा उनको, और dm by dt अभी अभी सिखाया है आपको a into v into density d, a into v into d, और v relative भी वही भी है। अब आपके ये मन नहीं मान रहा होगा कि सर आपने ए भी डी कैसे लिख दिया, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। यदि डेंसिटी को डी के बदले रो कहने का मन करे तो आज से ये फॉर्मूला याद कर लेना, रो ए भी स्क्वायर। कहीं पर यदि रो डेंसिटी का लिक्विड कितने स्पीड से आता दिखे बाहर, भी स्पीड से, तो जो थ्रस्ट फोर्स लगता होगा वो रो ए भी स्क्वायर होगा। तो तुम्हें याद क्या रखना है, रो ए वी स्क्वायर, और याद ही रखना सबसे मुश्किल का काम होता है। तो ये फॉर्मूला तो बेसिक है, इनको तो रॉकेट प्रोपल्शन में भी यूज करते हैं, वेरिएबल मास सिस्टम जब भी कभी आता है, वेरिएबल मास
सिस्टम में हम इन्हें देखते हैं, और उसी से निकल करके ये रिलेशन आया है एफ थ्रस्ट। तो रो ए वी स्क्वायर, ए इंटू वी इंटू रो, ये डीएम बाई डी टी वी रिलेटिव है, ऊपर वी रिलेटिव, तो पाइप किसी सिस्टम से मास जिस स्पीड से बाहर आए और साथ में पर यूनिट टाइम जो बाहर आए, तो ध्यान से देखो ना, यहां से डेल्टा टी टाइम में यहां वी डी टी डिस्टेंस तक का पानी बाहर आ जाएगा, वी डी टी डिस्टेंस में जो मास होगा वो मास कितना होगा ए इंटू वी डी टी, और ये हो जाएगा डेल्टा एम, और बाई डेल्टा टी हम ढूंढ रहे हैं, ए इंटू वी डी टी इंटू डेंसिटी रो बाई डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का कट जाएगा, तो ये मास डीएम बाई डी टी क्या हो जाता है, ए वी इंटू रो हो जाता है, ए वी इंटू रो, डीएम बाई डी टी चेक करना चाहो तो ऐसे दिख जाएगा आपको। अरे डी टी टाइम में कहां से कहां तक का पानी निकल के चला आएगा, वी डी टी लेंथ का सारा पानी पाइप से बाहर आ जाएगा ना, तो वी डी टी इंटू रो अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी कैंसिल हो गया, ए इंटू वी इंटू रो। अरे मैं एक बार और समझाऊं, ये इंपॉर्टेंट है, आप समझो कि टी डेल्टा टी टाइम में कहां से कहां कितना पानी बाहर आएगा पाइप से, तो वी डी टी लेंथ तक जो भी होगा वो पहुंच जाएगा ना इस पाइप के इन किनारे तक, तो बाहर आएगा, वहां वॉल्यूम कितना है, तो लेंथ इनटू एरिया, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, मास हो गया, और डेल्टा टी से डिवाइड कर लो तो डेल्टा एम बाई डेल्टा टी आ गया, वो एरिया इंटू वी इंटू रो आ गया, और उसको फिर रिलेटिव वाले वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पाइप के रेस्पेक्ट में यही रिलेटिव वेलोसिटी है। किस पे लग रहा है, किस पे लग रहा होगा, तो पानी के सामने अपना सर रख के देखो ना, तुम्हारे सर पे लगेगा, और या पाइप पकड़ोगे तो पाइप पे लगेगा, तुम्हारे हाथ पे लगेगा, वहां एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, यार चाटा लगाता हूं तो किस पे फोर्स लगता है, तुम्हारे गाल पे, मेरे हाथ पे, दोनों पे, तो सर मैं ही क्यों रोता हूं, तो दीवार को मारो चाटा, देखो तो दीवार भी रोएगा, सोच के तो देखो, न्यूटन थर्ड लॉ तो वैलिड है, पाइप से पानी निकला तो वो फोर्स तुम कहोगे कि पाइप पे उधर लगा, यही पानी यदि तुम किसी से टकराते देखोगे वो पाइप पानी निकल रहा है उसके सामने में बच्चे को खड़ा कर दो, देखो बच्चा पाइप के साथ सीधे पानी के साथ घूमना शुरू करेगा प्रोजेक्टाइल की तरह, तो थोड़ा सावधान हो जाओ यार, एक्शन रिएक्शन पेयर वाला हिसाब सोच लो कि पाइप पे इधर लगा और सामने जाएगा किसी से टकराएगा तो उसको उधर लगेगा। अब इसको फील करो एक अगले चित्र में, तुम ध्यान से देखना, ये बर्तन जो है इस बर्तन में तुमने पानी भर दी, और इस ध्यान से देखो लक्ष्य, पानी भर दिया, यहाँ ए एरिया है छेद, और इसको अभी जस्ट एक ढक्कन लगा के बंद किया हुआ है, और मान लो ढक्कन हटाते ही पानी इससे निकलना शुरू करेगा, तो पानी निकलना शुरू करेगा, और यदि ये स्मूथ सरफेस हो, यदि ये स्मूथ सरफेस हो, स्मूथ सरफेस, तो क्या होगा, क्या बर्तन यहाँ रुका रहेगा या बर्तन स्लाइड करने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा, सोचो ना बर्तन पे किधर फोर्स लगा होगा, पीछे, तो ये जो बर्तन पे इधर फोर्स आया होगा वो फोर्स कौन सा फोर्स कहलाएगा, थ्रस्ट फोर्स, और वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर, और वी कितना होता था, अंडर रूट टू जी एच, वो डिराइव करके रखा हुआ है आपने पहले, रो ए इंटू टू जी एच, ये थ्रस्ट फोर्स आएगा, पूछेगा बताओ फ्रिक्शन मिनिमम कितना हो कि ये बर्तन स्लाइड ना करे, तो वो इधर वाला फोर्स फ्रिक्शन रोकने की कोशिश करेगा, अरे बर्तन घसीटा जाएगा, स्मूथ होगा तब तो फ्रिक्शन होगा ही नहीं, और यदि स्मूथ ना हो, रफ हो, तो फ्रिक्शन होगा, स्मूथ होगा तो पूछेगा बताओ बर्तन का एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन एन, अब पूछो नॉर्मल रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम जी के बराबर, तुम्हारा 90% काम हो जाएगा, 10% गलत करोगे कोई बात नहीं, अरे यार दीवार को धकेलेंगे तो दीवार तुम्हें छोड़ देगा क्या, वो भी तो धकेलेगा, तो वहां वो है, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, जमीन को तुम धकेलते हो, जमीन तुम्हें धकेलती है, नॉर्मल रिएक्शन, तो जहां रगर होगा तो दीवार को तुम टच करो और दबाओ मत, और तब हाथ को ऐसे ले जाओ, तो वो जादू की तरह ले जा रहे हो तो फ्रिक्शन नहीं है, तुम दबाओ दीवार को और तब हाथ को ले जाओ ऐसे, देखना हाथ भी गर्म हो जाएगा, वहां फ्रिक्शन आए, तो वहां म्यू एम जी नहीं कहा जाएगा, म्यू एन कहा जाएगा, एन कितने के बराबर होगा, जितना दबाव तुमने दिया वो एन होगा, तो वो 10% केस वो हुआ जहां एन एम जी नहीं है, लेकिन खड़े ब्लॉक को रख दिया टेबल पे
और ब्लॉक को आप खींचोगे तो वहां नॉर्मल एम जी के बराबर होगा। ठीक, चलो, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं बर्तन पे फोर्स आया, फोर्स आया तो अब उसका जो यूज करना है करो। एक काम और करके देखते हैं कि बर्तन के खाली होने के टाइम के बारे में विचार करते हैं। यहां देखना, यहां से तो पानी बाहर आ रहा है अंडर रूट 2gh, और यहां आप देख रहे हो कि ये इधर आ रहा होगा, ये भी वन और ये भी टू। अब ये यदि हम देखें ये h हाइट नीचे, तो यदि एरिया का रिलेशन ऐसा हो कि वो बहुत छोटा दिख रहा हो, यहाँ वाला एरिया ए नॉट हो और दूसरे वाले एरिया ये ए टू और ए वन भी दे ही दिया गया हो, तो अब ध्यान से देखना यहाँ जो बर्तन के खाली होने का रेट होगा उसके बारे में कैसे बात करें, कैसे विचार करें उसके बारे में सोचते हैं। तो क्या लगता है बर्तन के खाली होने का जो रेट होगा पिन होल कर देने पर, क्या वो कॉन्स्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? मतलब एक तुक्का घेरने वाली बात करते हैं, तो ध्यान से सोचो, बर्तन के खाली होने की मैं बात कर रहा हूं या हाइट के कम होने की मैं बात कर रहा हूं, तो थोड़ा सा कैलकुलस का कहीं ना कहीं तो दिख ही रहा है लफड़ा। तो अब ध्यान से देखना, ये जब हम बात करेंगे ए वन वी वन, तो इसको किसके बराबर कर देंगे? ए टू वी टू, और ये मेंशन है ए वन इज फार ग्रेटर देन ए टू, इसीलिए वेलोसिटी मैंने लिखा है अंडर रूट 2gh। ठीक ना, तो वी वन जीरो अभी नहीं करना क्योंकि खाली तो होगा ना, धीरे धीरे ही सही। अरे यार, बर्तन में 1000 लीटर पानी भर दो और 2-4 छेद कर दो, आज नहीं तो कल खाली होगा, होगा तो जरूर होगा, धीरे धीरे ही होगा, वी वन नेग्लेजेबल भी होगा, तो वो रेट को लिखे कैसे? मैं चाहता हूँ टाइम का रिलेशन आए मेरे पास। ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू वाला आइडिया जो है उसी को लेके आगे बढ़ो। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वी वन के बदले क्या लिख देते हैं? माइनस डी एच बाई डी टी, माइनस डी एच बाई डी टी, एच कम हो रहा है, अरे डी वाई बाई डी टी होता ना वेलोसिटी, डी एच बाई डी टी, माइनस डी एच बाई डी टी, माइनस इसलिए क्योंकि डी एच निगेटिव होगा, कम हो रहा है, माइनस डी एच बाई डी टी, और ये हो गया ए टू इंटू अंडर रूट 2gh। तो अब आपके पास क्या आया उसे देखना, माइनस डी एच और ये अंडर रूट एच, और ये हो गया ए टू रूट 2g और बाई ए वन साथ में डी टी। अब यदि मैं इसको इंटीग्रेट करने की सोचता हूं, तो इंटीग्रेट करने की सोचता हूं तो शुरू में ये एच है और बाद में ये हाँ कुछ भी वैसा, यदि देख लेते हैं एक काम करते हैं, हाँ शुरू में एच नॉट है और किसी टाइम पे एच है, शुरू में एच नॉट मान लेते हैं कि मान लो यहां तक रहा हो पानी, हाँ हाँ रुको ना, मान लो यहां से शुरू हुआ इक्वेशन, तो तुम बीच में कभी लिखोगे ना, तो ये मान लेते हैं कि टोटल यहां से था एच नॉट, तो टोटल एच नॉट था और अब हम एच पे देख रहे हैं, एच नॉट से एच तक का ये रिलेशन कैसा हो जाएगा? 1 बाई रूट एच का इंटीग्रेशन बोलो, 2 रूट एच, ऐसा ही कुछ, और लिमिट पुट अप करते हैं कहां से कहां तक, एक माइनस साइन है वो रहने दिया एच नॉट से एच, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट इनटू टी। तो यहां से हम लोग क्या देख लेंगे, यहां से हम लोग क्या देख लेंगे, टी बराबर हो जाएगा के, टू भी कांस्टेंट में लेते हो, ये के बाई टू, मान लो टू, के बाई टू अंडर रूट एच नॉट माइनस अंडर रूट एच, तो टाइम जो है वो ऐसे लिख सकते एच नॉट माइनस एच। सर इसका क्या करोगे आप? अरे मैं क्यों कुछ करूं, तुम देखो यहां पर एक छेद कर दिया, टोटल हाइट इसका है एच, और कहा गया कि एच से एच बाई फोर आने में 2 आवर लगा,
तो एच बाई फोर आने में 2 आवर लगा, तो अगले एच बाई फोर जाने में कितना लगेगा, ये टाइम ढूंढ रहा हूं मैं। पहला एच बाई फोर का 2 आवर है, अगला एच बाई फोर का कितना टाइम होगा ये हम जानना चाहते हैं। क्या 2 आवर ही रहेगा या उससे अलग? तो शुरू में हाइट ज्यादा था, स्पीड ज्यादा होगा पानी के निकलने का, कम टाइम लगेगा। बाद में हाइट कम हो गया, पानी निकलने का रेट कम हो गया, टाइम ज्यादा लगेगा, कितना होगा कि? तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला काम कर देगा। ध्यान से देखो, तो टी वन आप लिखते हो कॉन्स्टेंट है के डैश, या के ही कह दो ना, के बाई टू के बदले के ही कह लो कॉन्स्टेंट, के डैश अंडर रूट एच नॉट माइनस अंडर रूट एच वन। ये चेक करते हैं, लिख ही देता हूं, कांस्टेंट है तो हम लोग ये रेशियो लिख रहे हैं, यहां से यहां टी वन कह देते हैं और यहां से यहां टी टू कह देते हैं। ध्यान देना, शुरू से ही ले रहा हूं दोनों केस में, मैं दोनों केस में शुरू से ले रहा हूं, टी वन टी टू। टी वन वाला कितना, टी वन बाई टी टू हो जाएगा अंडर रूट एच नॉट माइनस रूट एच वन अंडर रूट एच नॉट माइनस रूट एच टू। कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। अब यहां चेक करो, टी वन टू बाई टी टू एच नॉट अंडर रूट एच माइनस अंडर रूट एच बाई फोर, अंडर रूट एच माइनस, अच्छा 3h/4, थैंक यू। अगले वाला अंडर रूट एच बाई टू। अब यहां से हम लोग चेक करें, टू बाई टी टू ये आ जाएगा 1 माइनस रूट 3/2 अपॉन 1 माइनस 1/√2। ये बड़ा गंदा सा आंसर आया, टी टू ऐसे निकल के आ सकता है, गंदा सा ही आता है, तो बहुत सुधार आंसर आएगा, ऐसा उम्मीद मत करना। रिलेशन ये टाइम वाला रिलेशन ऐसे यूज कर सकते हो, हाँ एच बाई फोर एच हाँ, जो आंसर होगा वो टी टू माइनस टी वन होगा। यदि आप डायरेक्ट उसको लिखना चाहते हो तो टू बाई टी, तो टू बाई टी के लिए मुझे लगता है ये लिखना ठीक रहेगा, एक बार तुम लोग भी देखना, एच माइनस अंडर रूट 3h/4 और दूसरा हो जाएगा अंडर रूट 3h/4 माइनस अंडर रूट एच बाई टू। मुझे लगता है इससे काम, हाँ सर ठीक है, वो देख लेना एक बार। सर वो पीछे वाली स्लाइड दिखा दो, अभी दिखाता हूँ, यहाँ चेक कर, A1V1 = A2V2, और ये जो है डाटा ना, ये जो सारा कांस्टेंट है, यहाँ देखो कांस्टेंट क्यों लिख रहा हूँ, वो था कितना तो चेक करो, ये है A2 by A1 √2g, ये सारे तो कांस्टेंट ही है ना, A2 √2g / A1, और ये 2 जो लेफ्ट साइड में है उसको राइट साइड लेते आओगे वो भी कांस्टेंट में ही चला जाएगा, उनके बदले उनको कांस्टेंट कह देता हूँ। तो मैंने यहाँ ही के कह दिया तो यही के कह लो, कोई दिक्कत नहीं, यही मैंने के कह दिया, और 2 को के साथ भेज दो, और मोस्टली रेशियो में ही क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, मोस्टली यहाँ रेशियो में क्वेश्चन। अनुज ये समझ में आ गया या तो थोड़ा एक बार और कोशिश करो। ध्यान से देखो क्वेश्चन को दूसरे नजरिए से एक बार पूछता हूं, जिससे तुम्हें आंसर बोलना आसान लगे। ये एग्जांपल चेक करो, इसमें बर्तन के एच हाइट था और ये नीचे तक खाली होके एच बाई फोर पे चला आया पानी। तो ध्यान देना, इसमें टाइम लगा है
6 घंटे। तो बताओ वही बर्तन हो और वैसा ही छेद हो, वही बर्तन हो और वैसा ही छेद हो, तो h/9 होने में कितना टाइम लगता होगा, शुरू से h/9 होने में? इसमें अच्छा आंसर आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा अच्छा आंसर? तो 6/3 इक्वल्स हो जाएगा √h − h/4 और t वाला होगा √h − h/9, तो हो जाएगा 1 − 1/2, 1 − 1/3, ये हो जाएगा 3/4, 6/t। तो यहां से t का वैल्यू हो जाएगा 8 आवर। ये आइडिया पसंद आया या एक बार और समझाऊं? कितना खाली होने में 6 घंटा लगा, एक बार देखना ना। तो ये शुरू में h था और अंत में h/4 बचा, 6 घंटा लगा इसमें। यदि वही बर्तन हो, शुरू में h से बाद में h/9 बचे, उसमें कितना टाइम लगेगा? या h/4 से h/9 में कितना टाइम लगेगा? इन दोनों का डिफरेंस ले लेना, 8 − 6 = 2 आवर। लक्ष्य क्या, ये समझाओ क्या गणित, फॉर्मूला क्या था? हाँ, बस फॉर्मूला लगा दो, अकल कम लगाओ। अब फॉर्मूला भूल जाओ तो फिर फॉर्मूला डिराइव करने का तरीका पता होना चाहिए। a1b1 = a2b2। सर मैं वेलोसिटी में a1b1 वाला फॉर्मूला रखूंगा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रेशियो में वो नीचे वाला डिनोमिनेटर वैसे ही गायब ही हो जाएगा। वो जो वेलोसिटी में रखेंगे भी ना, आप बड़ा दूर का सोच के रख दोगे √2gh/(1 − a2)/(a1)2, लेकिन वो सोचो ना, 1 − a2/(a1)2 भी तो कांस्टेंट में जाके बाद में रेशियो में कैंसिल ही आउट होगा, तो क्यों उस लफड़े में पड़ना? तो डिराइव करते वक्त क्या सोचना ठीक रहेगा, a1b1 = a2b2। डेरिवेशन एक बार और समझाऊं, फॉर्मूला पसंद आ गया? चलो, तो क्या करना था, बर्तन खाली करना था। अब एक टर्म आता है, वो सोचो आजकल गैस का सप्लाई होता है वो पाइप के थ्रू, पानी का सप्लाई होता है पाइप के थ्रू, बिजली का सप्लाई होता है वायर के थ्रू, पाइप के थ्रू, और बिजली का बिल देना पड़ता है, तो उसके लिए मीटर लगा हुआ है, आपने कितनी खपत की। तो सरकार जब आपको पानी देगा तो क्या पानी फ्री में देगा? अरविंद केजरीवाल की सरकार समझ रखा है, हमेशा फ्री में पानी नहीं मिलता। तो आपने कितने बाल्टी खर्चा किए, पैसा तो वैसे ही डिसाइड होगा, ऐसा थोड़े ना आपने कितने माले बनाए उतना पैसा दे दो, कितना बाल्टी पानी लिया उतना पैसा दो। तो क्या सबके घर के आगे चौकीदार लगवाएगा कितना बाल्टी ले रहा है ये? तो कैसे पता चलेगा? कोई तरीका होना चाहिए पानी के फ्लो को मेजर करने का। सर एक काम करेंगे, पानी का पाइप तोड़ेंगे और फिर बाल्टी लगा के देखेंगे 1 घंटे में कितना पानी आया। अरे म्यूनिसिपैलिटी का पाइप है, तोड़ दोगे तो 1 साल बनेगा भी नहीं। अब सोचो कैसे पता चलेगा किसी पाइप में पानी का रेट फ्लो का क्या है? तो उसके लिए सर नल खोल के देख लेंगे। हाँ भाई, तो पाइप जो गवर्नमेंट भेज रही है आपके घर के भीतर, उस पाइप को तो आप 25 जगह खोलने वाले हो, तो मीटर तो पानी में मेजर करने के लिए भी कोई जो आप डिवाइस बना के डिजाइन करके लगाओगे, वो तो शुरू में ही लगाओगे जहां से पानी आपके घर में इंटर कर रहा है। कैसे कैलकुलेट करेगा वो पानी के फ्लो को? तो उसके लिए भी कोई तरीका होगा। देखो ध्यान से, ये आप देख रहे हैं पानी का फ्लो के बदले किसी लिक्विड का फ्लो, मान लो पेट्रोलियम किसी पाइप के थ्रू जहां से निकाला गया और जहां उसको रिफाइन करेगा, रिफाइनरी तक जा रहा है, तो उसके भी तो फ्लो को कोई ना कोई कभी ना कभी चेक करेगा कि कितना है रेट फ्लो का। तो मुझे ये वेलोसिटी पता करना है यहाँ फ्लो का क्या होगा पाइप में, तो उसके लिए भी यही बर्नौली काम करेगा। कैसे, ध्यान से देखो, इसमें क्या करते हैं कि दो ट्यूब ऐसे, इसमें एक यू शेप का ट्यूब ले, और केवल यू नहीं, इस यू का ये ऐसे तिरछा आया हुआ है, ध्यान देना,
ये एक ट्यूब जिसके जिसके दो आर्म हैं, जिनके भीतर मरकरी भरा हुआ है और ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट होने के कारण क्या होता है कि आपको मरकरी के हाइट में डिफरेंस दिखने लगता है, मरकरी के हाइट में डिफरेंस दिखने लगता है। ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड का डेंसिटी है रो एल, और यहां जो मरकरी है इसका डेंसिटी है रो नॉट कह देता हूं। अब गौर करिए, हमारे सामने दो पॉइंट होंगे, हमारे सामने दो पॉइंट हैं, एक लेफ्ट आर्म के ऊपर और एक राइट आर्म के ठीक ऊपर पाइप के भीतर। अब लेफ्ट आर्म के ऊपर जो स्पीड होगा वो भी है, इसको पॉइंट वन कह दो, और राइट आर्म के ऊपर जो पॉइंट है उसे टू कह दो, जो पाइप के भीतर है। और पाइप के भीतर जो रेड वाला लिक्विड भीतर जाएगा वो तो रुक जाएगा, उसकी स्पीड क्या होगी, जीरो। फील करो, पाइप के भीतर टू वाला जो पॉइंट है वो पाइप के भीतर है, वहां स्पीड कितनी होगी लिक्विड की, जीरो। अब गौर करो, हम लोग पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये वी टू और वी वन को एक बार चेक कर लो। पी वन प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू पी टू प्लस जीरो, वी टू जीरो हो गया। इसलिए अब मुझे ये बताओ कि P1 और P2 में डिफरेंस आ रहा है, P2 माइनस P1, और वो किसके बराबर आ रहा है, हाफ रो V स्क्वायर। अच्छा मुझे ये बताओ, सामने वाला वन और टू वाला पॉइंट जो है उनमें जो प्रेशर डिफरेंस दिख रहा है उसी प्रेशर डिफरेंस के कारण तो यहाँ हाइट में अंतर आएगा। यदि वन और टू पे एक जैसा प्रेशर होता तो हाइट में अंतर आता क्यों, और हाइट में जो ये अंतर है उसका प्रेस कैसे लिखोगे, रो मरकरी इंटू जी इंटू डेल्टा एच। तो पाइप देख के तो वो तुरंत पता चलेगा, सर आपने डेल्टा एच वाले को तो लिखा लेकिन लाल वाले लिक्विड को छोड़ दिया, तो सोचो ना वाटर के रेस्पेक्ट में 13.6 टाइम्स ज्यादा डेंस होता है मरकरी, और कोई तेल पाइप में जा रही है तो वो तो वाटर से भी कम डेंस है। तो हम उस पाइप में मरकरी को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और तेल के हाइट वाले कॉलम का प्रेशर नेग्लेक्ट मान रहे हैं, तो केवल उस डेल्टा एच से हमारा ये काम हो गया। तेल का भी तो कंसीडर करते ना दोनों तरफ, ये बेस पे अंतर जो आता उसमें ये लाइन भी तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता, लेकिन उस हाइट को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। क्यों नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि तेल का जो डेंसिटी है, ये राम ये तो भाग गया यार, ये अरे पाइप भी बनाना पड़ा फिर से, ये अब मुझे ये बताओ, तो रो मरकरी इंटू जी एच यदि आपको देखना समझ में आ जाए तो ये हाफ रो लिक्विड इंटू वी स्क्वायर, तो लिक्विड का कौन सा फ्लो हो रहा है लिक्विड पाइप में ये हम जानते हैं, तो वेलोसिटी क्या केवल इस डेल्टा एच को देख के हम नहीं बता देंगे, रो एम जी डेल्टा एच टू टाइम्स बाई, अरे बाई में कौन आया यार, रो लिक्विड, ठीक है। तो इससे तुम्हें वेलोसिटी पता चल जाएगा बिना कुछ ज्यादा एफर्ट के, प्रेशर में जो डिफरेंस आया ना और इधर जो कॉलम के हाइट में डिफरेंस आ रहा है वही P1 P2 के डिफरेंस के कारण। तो हमारे पास ये वेलोसिटी, और इसके लिए नाम वेंचुरीमीटर या पता नहीं क्या क्या रख देते हैं, नाम मुझे ज्यादा नहीं पता रहता है, तो आपको भी नाम से कोई लेना देना नहीं है। बेसिक रूल क्या है, बर्नौली इक्वेशन है और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है जो आपको हेल्प करेगा। बोलो, डेल्टा एच दिख रहा है, मरकरी के दोनों आर्म में हाइट में अंतर है, ट्रांसपेरेंट ट्यूब है, हाँ जहां प्रेशर ज्यादा होगा वो ज्यादा मरकरी को नीचे, जिधर प्रेशर कम होगा उधर ऊपर चला जाएगा मरकरी। यदि दोनों पॉइंट पे प्रेशर एक जैसा रहेगा तो मरकरी दोनों आर्म में एक जैसे हाइट में दिखेगा, सिंपल लॉजिक। तो हाइट में जितना ज्यादा अंतर है
उतना ज्यादा प्रेशर डिफरेंस है उतना ज्यादा स्पीड होगा। अब यदि तुम्हें ये पता है कि यहाँ पर एरिया जो है ए है, तो यहां से निकलने वाला लिक्विड क्या हो गया, ए इंटू बी। तो ये तुम्हें कितने देर पाइप ऑन रहा, कितने देर फ्लो होता रहा। यदि फ्लो नहीं हो रहा होगा, सोचो वन पे भी रुका हुआ है, दोनों जगह जीरो, तो दोनों जगह एक जैसा हो जाएगा हाइट, तो दोनों जगह एक जैसा हाइट है तो वहां तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो जितने देर ऑफ है उतने देर वेलोसिटी ऑफ है, उतने देर तो कोई वॉल्यूम नहीं है, लेकिन हाइट में जो डिफरेंस है उसे हम लोग यहाँ ये कैलकुलेट देख के कर सकते हैं। अभी मशीन हमने नहीं डिजाइन किया है, अभी हमने ये बताया है कि देखेंगे कैसे मेजर कैसे करेंगे कि यहाँ फ्लो का स्पीड क्या है। फ्लो का स्पीड मेजर करने का ये एक डिवाइस हो सकता है, फ्लो का स्पीड मेजर करने का ये एक ट्रांसपेरेंट यू शेप वाला ट्यूब जिसमें एक और टी साइड टाइप का दिख रहा हो या एल टाइप का दिख रहा हो साइड, तो हम लोग इस तरह के पाइप को यूज करके पता कर सकते हैं स्पीड, और उससे पता चल जाएगा डी वॉल्यूम बाई डी टी, कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है पर यूनिट टाइम। पाइप का एरिया यदि पता है तो, यदि पाइप का एरिया पता है पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा है वो हमें पता चल जाएगा। यदि ये डेल्टा एच फिक्स है, कॉन्स्टेंट फ्लो है किसी जगह, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितना वॉल्यूम एक घंटे में आया, कितना वॉल्यूम दो घंटे में आया। कंटिन्यूअस फ्लो यदि है किसी जगह, तो एक घंटे में कितना वॉल्यूम गया, दो घंटे में कितना गया, तो वो हम कैसे देख सकते हैं। तो हम यहाँ केवल ये सीख रहे हैं बर्नौली इक्वेशन, ये सीख रहे हैं। हाँ फिर से बोलो, हाँ ये फ्लो है, ये ट्यूब लगाया है हमने फ्लो का स्पीड पता करने, यू शेप का ये लास्ट वाला फॉर्मूला क्या बताने वाला है आपको, चेक करो। हमें यदि स्पीड पता करना है तो पाइप में पानी का स्पीड कैसे देखोगे, कोई तरीका तुम्हारे पास है तो तुम बताओ। ये तरीका तुम्हें स्पीड बता, तो स्पीड पता करना है, यही हमारा पर्पस है आज। मैं स्पीड ढूंढ रहा हूँ तो कैसे ढूंढूंगा, यदि तुम्हें किसी पाइप से निकलने वाले लिक्विड का स्पीड पता है, एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो क्या आ जाता है, मीटर पर सेकंड को मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, मीटर क्यूब पर सेकंड, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में कितना वॉल्यूम बाहर आ रहा ये पता चल जाएगा। तो एक घंटे में कितना वॉल्यूम आया होगा टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो स्पीड निकालने का, अब सोचो भारत सरकार बड़ा तेजी से काम करवा रहा है आजकल। मान लो कि तुम्हारे मोहल्ले में पता चला पानी वाला पाइप गया हुआ था और टेलीफोन वाला पाइप डालने आया, पानी वाला पाइप फूट दिया, तो पानी वाला पाइप फूट गया तो वहां पे तुम देखोगे कि फव्वारे बन गए, फव्वारे बन गए तो बस तौलिया लेके पहुंच गए कि आज जो है फव्वारे का पूरा आनंद लिया जाए। क्यों, क्योंकि पानी वेस्ट हो रहा है, वेस्ट क्यों होने दे। अब अक्कल लगाओ, वन पॉइंट और टू पॉइंट, इन दोनों में तुम सोच समझ के जवाब दो, वन पॉइंट और टू पॉइंट, कहाँ फवारे का हाइट ज्यादा होगा, वन वाले पे या टू वाले पे, कहाँ हाइट ज्यादा होगा ये विचार करना। हाँ ऐसा फील आ रहा है ना, बर्नौली क्या कहता है वो सोच के देखो। ये ए वन वी वन इक्वल्स टू ए टू वी टू, और दूसरा फॉर्मूला कहता है पी प्लस वी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इक्वल्स टू पी टू प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला कहता है कि P1 इक्वल्स टू रो जी एच वन या P2 इक्वल्स टू रो जी एच टू या प्लस P0 प्लस P0। अब इतना मत सोचो, तुम ऐसे सोचो कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और प्रेशर के बारे में ध्यान से देखना, यहाँ पर ध्यान से देखो, वो दोनों इक्वेशन को देख के डायरेक्टली लिखो। पहले वाला पार्ट देखो, एरिया जो है वन का वो ज्यादा है टू से, तो वेलोसिटी जो वन का होगा वो कम होगा टू से, तो प्रेशर जो वन का होगा वो ज्यादा होगा टू से, तो हाइट जो वन होगा वो ज्यादा होगा टू से। अरे जहां प्रेशर ज्यादा होगा वही तो ज्यादा हाइट तक जाएगा, तो प्रेशर कहाँ ज्यादा दिख रहा है, वन पे, तो वन पे जब छेद होगा तो ज्यादा ऊंचाई पे भागेगा पानी। सर बर्नौली बड़ा मेहनती इंसान, मेहनत कर करके उसने एक थ्योरम दिया
क्या थ्योरम दिया, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो जहां वेलोसिटी कम होगा वहां प्रेशर ज्यादा होगा। किसने बताया? बर्नौली। बड़ा मेहनती इंसान था, बहुत मेहनत करता था। तो पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला तब लगता है जब एक ही हाइट में दो पॉइंट हो। पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये वाला तब यूज में आता है। एक दो किलोमीटर ऊपर लेने की सोच रहे हो या एक दो सेंटीमीटर? एक दो सेंटीमीटर का जो प्रेशर में डिफरेंस आएगा वो माइक्रो पास्कल में आएगा, तो उसको लेके क्या करोगे? उसके कारण हाइट में जो अंतर दिखेगा वो माइक्रो मीटर में दिखेगा, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसे तुम पाइप में कहीं भी लोगे, पाइप में कहीं भी लोगे तो वो एक ही जैसा मान लोगे। वो एक क्रॉस सेक्शन का तुम ले रहे हो ना, जब तुम क्रॉस सेक्शन वन और क्रॉस सेक्शन टू से गुजरने के लिक्विड के लिए यूज कर रहे हो A1 V1 equals to A2 V2, वहां तो हम उसको पॉइंट की तरह देख रहे हैं, वन को भी टू को। उसमें तुम, मैं सर वन को थोड़ा धकेल के ऊपर ले जाता हूँ, उससे तो वो नेग्लेक्ट करना है, उतना अकल नहीं लगा देना है, थोड़ा कम अकल लगाना है, थोड़ा कम लगाना है। अच्छा देख, लिखना है, छपाई आप शुरू करोगे, जल्दी छपाई शुरू करो, पाइप बनाओ, पानी बढ़ता देखो और फिर छेद करके देखो। तो हाइट जो बनाएंगे उसमें क्या दिखेगा? वन का ज्यादा होगा। तो चित्र जो बन रहा है उसमें मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ छोटा, इसे थोड़ा उसे बढ़ाता हूँ। अरे बदले चित्र, अरे बदले पेज, बगल वाला लिखो कम से कम, वो उधर वाला कम से कम लिख लो, लिख लिया ये वाली तो बेकार का काम, उधर वाला लिखो, देखो इधर वाला हटा देते। अब ये देखते हैं, तुम्हें डूब जाओ यार, यहाँ पे सोचो आज मच्छर बहुत हो गया घर में, मच्छर भगाने के लिए एक स्प्रेयर खरीद के लाए, तो स्प्रेयर खरीद के लाए और स्प्रेयर में क्या है, नीचे एक डब्बा बना हुआ है जिस डब्बे में तुमने मच्छर भगाने वाला लिक्विड डाल दिया, और इस स्प्रेयर के दूसरे किनारे पे एक पिस्टन जैसा कुछ है और उस पिस्टन को प्रेस करते हैं हम लोग, जिससे कि स्प्रेयर से लिक्विड निकल करके इधर उधर भागना शुरू करता है। अब मुझे ये बताओ कि ये जो स्प्रे तुम कर रहे थे तो क्या वहां टुल्लू पंप लगवाया था? लिक्विड नीचे से ऊपर कैसे आया? अरे नीचे से ऊपर आखिर लिक्विड ग्रेविटी के अगेंस्ट आएगा कैसे? हवा के कारण। ओए हवा के कारण तो मतलब कौन सा रूल सोचोगे? तो दो ही रूल है फ्लूइड का, बर्नौली। तो बर्नौली पे पहुंच जाओ और बर्नौली पे मुझे ये बताओ, ये जो नीचे गर्दन होता है, ये गर्दन एक दो किलोमीटर का लगवाते हो या एक एक, एक इंच दो इंच? तो एक इंच दो इंच होता है, मतलब ये वेरी वेरी स्मॉल है, टेंस टू जीरो। तब हम क्या कहते हैं कि ये जो दो पॉइंट है तुम्हारे सामने, कौन से दो पॉइंट है? एक पॉइंट यहाँ कह देते हैं वन और ये टू पॉइंट कह देते हैं। इन वन और टू पे ध्यान से देखना, हाइट वन टू का टेंस टू जीरो मैंने कह दिया, तो हम अब यूज कर सकते हैं पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर कॉन्स्टेंट। हम लगभग एक नेग्लेक्ट कर दिया, यूज हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, वेलोसिटी कहाँ ज्यादा है? V2 is greater than V1. क्यों? क्योंकि पिस्टन को जब प्रेस करोगे तो वहां सामने वाला एयर को धकेल रहे हो तुम, उसके कारण वो फ्लो करेगा, तो वो मतलब वो वन वाले टू वाले पॉइंट पे स्पीड ज्यादा होगा, और वन वाला पॉइंट गर्दन के नीचे जो भीतर वाला एयर है उसका स्पीड है, तो उसका स्पीड क्या होगा उस मोमेंट पे?
नेग्लिजिबल, बहुत कम। तो V2 यदि हम क्या देख रहे हैं ज्यादा V1 से, तो इसका मतलब P2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा P1 से। तो लिक्विड कहां से कहां फ्लो करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, इस कारण से ये लिक्विड इधर से इधर जाना शुरू कर देगा। क्या ये आइडिया समझ में आया? और ये फिर लिक्विड तुम इधर मच्छर भगाओ बैठ के। आइडिया समझ में आया? वन और टू वाले यार अनुज लिखोगे नहीं तो ये सब याद कैसे रहेगा, पहले समझ लोगे, फिर रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, ठीक है? अच्छा लिख लेते हो, दिमाग में रहता है थोड़ा बहुत, बहुत बढ़िया। चलो हाँ, तुम क्या कह रहे हो लग? हाँ बस प्रेशर वाला आइडिया हो गया। अब सुनो एक और पॉइंट, जब हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पे हो तो घर में समझा के भेजा जाता है प्लेटफॉर्म पे बहुत किनारे मत खड़े होना, इसके लिए थोड़े ना कि कोई आएगा हाथ पकड़ के भीतर खींच लेगा और लेके चला जाएगा। वहां ध्यान से सुनो, जब तुम प्लेटफॉर्म पे किनारे खड़े हो और कोई वहां से ऐसी ट्रेन गुजरने वाली है जो वहां नहीं रुकने वाली है, तो उसकी जो स्पीड है बहुत ज्यादा है, उसको रुकना तो है नहीं। अब स्पीड यदि बहुत ज्यादा है तो स्पीड ज्यादा होने पर सीधा सा आइडिया ये सोचो, स्पीड ज्यादा होने पर कौन सा आइडिया, कि उसके आसपास के एयर का स्पीड ज्यादा हो जाए जो उसके कांटेक्ट में है। और यदि आसपास का स्पीड ज्यादा हो गया तो आपके जो आपके और ट्रेन के बीच में एयर है उसका स्पीड ज्यादा है तो वहां प्रेशर क्या हो गया, कम। और आपके पीछे वाला जो एयर है उसका स्पीड कम है तो वहां प्रेशर ज्यादा, तो आप पे फोर्स किधर लगेगा, ट्रेन की तरफ। कोई हाथ खींचेगा नहीं, ट्रेन लेती जाएगी। तो इसका मतलब है कि वहां हम खड़े होंगे तो ये दुर्घटना ऐसे हो सकती है। ये बर्नौली क्वेश्चन समझा देते तो प्लेटफॉर्म जाना छोड़ देते, तो वो नहीं समझाया गया, केवल मना किया गया कि भाई मत खड़े होना बहुत नजदीक में किनारे जाके। और सोचो ये दुर्घटना तब भी होता है जब दो शिप एक दूसरे के पैरेलल या दो बोट एक दूसरे के पैरेलल नदी में जाने लगे अच्छे स्पीड में, तो उनके ऐसे होने पर उनके बीच में फिर वही घटना होता है। बीच वाले एयर का जो स्पीड होता है वो ज्यादा हो जाता है, बीच वाले एयर का स्पीड ज्यादा हो गया तो वहां प्रेशर क्या हो जाती है, कम। और बीच में यदि प्रेशर कम हो गया तो दोनों आपस में टकरा जाएंगे, तो दोनों को आउटवर्ड करके डाइवर्ट करके यदि पैरेलल चलाएंगे तो ठीक है। यदि हम केवल स्ट्रेट रखना चाहेंगे उसमें राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड टेंडेंसी नहीं रख रहे हैं स्टीयरिंग पे, तो वो दोनों टकराने वाले हैं। और ये फ्लाइट में भी हो सकता है, दो फ्लाइट यदि जा रहे हो तो बीच के एयर के कारण ये दुर्घटना उनमें भी होता है यदि बहुत नजदीक होते हैं तो ये वाटर में भी, ये फ्लाइट के टाइम पे भी, ट्रेन के लिए समझाया है, हर एक जगह ये दुर्घटना हो सकता है। तो सबमरीन जा रही है तो उनके बीच वाले यदि वाटर के फ्लो का स्पीड उतना ज्यादा अफेक्टेड हुआ तो होगा। इतने नजदीक यार, एक सबमरीन इतना कॉस्टली होता है, दो दो अगल बगल कौन रखेगा यार, अलग अलग रखेगा, दूर दूर में रखेगा। अब इतना नजदीक ले जाने का ट्राई किया नहीं है कभी लेकिन ध्यान रखना यदि स्पीड वैसा हो, सिग्निफिकेंट हो जाए तो हो सकता है। अभी फिलहाल एक पॉइंट और सोचो, एक पॉइंट और सोचो, मैग्नस इफेक्ट। अब ये मैग्नस इफेक्ट का क्या लगता है, तो आज तुम बन गए क्रिकेटर और पहुंच गए क्रिकेट खेलने, और क्रिकेट खेलते वक्त तुम देखते हो बॉल को स्विंग करवाया जाता है। तो स्विंग करवाया जाता है को के मीनिंग को समझो, तुमने एक गेंद को थ्रो किया, तुमने एक गेंद को थ्रो किया और थ्रो करने के बाद देखते हैं कि गेंद हवा में जाते जाते अचानक ऊपर चली गई, तो तुम तो ताली बजाने लगोगे, अरे ये तो जादू हो गया, ग्रेविटी नीचे ले जाना चाहता था, ये हवा में हॉरिजॉन्टल जाते हुए ग्रेविटी के कारण प्रोजेक्टाइल मोशन आज तक तो नीचे जा रहा था और आज ऐसी एक दुर्घटना हो गई कि हवा में फेंका बॉल ऊपर, ऐसे चौंक पड़े। तुम लोग कैसे चौंकोगे, तो ये तो यार एक बार मैं इस पे वीडियो भी कल दिखा दूंगा, अभी तो फिलहाल उसके लिए फिजिक्स बता देता हूँ। बॉल को थ्रो करो और बॉल को थ्रो करो, अरे जो स्पिन स्पिन करते हैं या स्विन करते हैं उनके हाथ को देखोगे वो रोटेट करते हैं थ्रो करते वक्त,
तो उस रोटेशन पे ये डिपेंड करेगा। अब कभी कभी होता है वो लेफ्ट स्विंग राइट स्विंग या कभी कभी अप कर दे सकते हैं जाते जाते ऊपर की तरफ, तो ये सारे होता है उन हर एक जगह पर जहां बॉल को यूज करते हैं। आप टेनिस देख सकते हो या फिर टेबल टेनिस देख सकते हो, क्रिकेट देख सकते हो, फुटबॉल देख सकते हो, इन हर एक में ये जो है मैग्नस इफेक्ट काम में आता है। अब इनके आइडिया को समझो, मान लो ये बॉल इधर जा रहा होगा, तो ये बॉल इधर जा रहा होगा तो इसके ऊपर वाले टर्म का स्पीड होगा ये एयर, एयर ऐसे जाता देखो, अरे बॉल ही गायब हो गया, ये भी गायब नहीं, अभी ब्रॉल है सामने। एयर के स्पीड को देखो, ये इसके ऊपर से एयर ऐसे जाता फील करोगे या नहीं? अब यदि मैं इसमें ये रोटेशन प्रोवाइड कर दूं, यदि मैं इनमें ये रोटेशन भी प्रोवाइड कर दूं भी के साथ, तो ये और बॉल का ये सरफेस रफ है मान लो, तो रफ है तो यहाँ स्पीड को वो बढ़ा देगा ओमेगा आर, और यहाँ स्पीड को वो कम करने की कोशिश कर देगा, यहाँ स्पीड हो जाएगा भी माइनस ओमेगा आर, यहाँ हो जाएगा भी प्लस ओमेगा आर। ऐसा होने पर क्या होगा, ऊपर में स्पीड क्या हो गया ज्यादा, तो वहां प्रेशर क्या हो जाएगा कम, और नीचे क्या हो जाएगा स्पीड कम तो प्रेशर ज्यादा, तो फोर्स किधर लगेगा, तो जिसके कारण ये थोड़ा सा अपने हॉरिजॉन्टल पाथ से अप होने की कोशिश करेगा। और ध्यान देना, वो जो बॉल को घिस घिस के चमका रहे होते हैं बॉलर, चमका के क्या कर लेंगे, तो वो आप जब उसको रब करके या तो उसको खुरेच करके वहां जिसके लिए टेम्परिंग, बॉल के टेम्परिंग के कारण फाइन कर देता है, तो कई बच्चे कई खिलाड़ी बड़े एहतियात से अपने हाथ में रख लेते हैं वो जो दीवार घिस के साफ करते हो सैंड पेपर, वो बढ़िया से घिस देते हैं, एक तरफ रफ कर दिया तो वहां पे ओमेगा आर वाला जो इफेक्ट है वो ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, तो ज्यादा इफेक्ट कर देता है वैसा होने पर, तो वो रोटेशन का वो एक खास उस तरह से घुमा कर फेंकने पर इफेक्ट हमें खास मिल जाता है। तो आप इसके रोटेशन बदल बदल करके इनके बारे में विचार कर सकते हो, या तो ये अप जाएंगे या डाउन जाएंगे। यहां सोचो ऐसे ही हम जाता देखते बॉल और इसको ऐसा रोटेशन दे देते, तब इसके लेफ्ट और राइट साइड में अंतर आ जाता बिल्कुल, अरे ओमेगा आर सोचो ना लेफ्ट और राइट में, हाँ तो या तो मतलब या तो लेफ्ट भागता या राइट भागता, ये यहाँ जो ऐसा मूवमेंट जो भी आप देखते हैं उसके लिए टर्म यूज करते हैं मैग्नस इफेक्ट। ऐसा जो भी आपको डेविएशन कहीं दिख रहा होता है तो उसके लिए टर्म क्या यूज कर देते हैं हम लोग, मैग्नस इफेक्ट। तो आप बर्नौली के थ्योरम वही है की कंसेप्ट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, उन्हीं पे ये भी काम कर रहा है, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। हम लोग जब बात करेंगे तो फ्लूइड यहाँ कौन है, तो आप बॉल को इधर थ्रो करते हो तो बॉल के रेस्पेक्ट में एयर किधर जाते फील आता है, आप कार पे चलते हो और कार पे कोई झंडा लगा होता है तो किधर लहराते दिखता है, कार 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से सीधे जा रही है तो झंडा जो उसपे होगा वो पीछे की तरफ, क्योंकि कार के रेस्पेक्ट में एयर किधर जा रही है, पीछे की तरफ, कितने स्पीड से, यदि 60 किलोमीटर पर आवर कम से कम, यदि रुका हुआ भी हो कोई भी इनफ्लो नहीं कर रहा हो तब भी वो स्पीड होगा एयर का, तो वो झंडा भी उसी की तरफ जाते दिखता है। वैसे ही जब बॉल आगे जा रहा होगा तो बॉल आगे जा रहा है लेकिन एयर उसके रेस्पेक्ट में किधर जाते बॉल को, उसके कारण प्रेशर डिफरेंस, उसके कारण फोर्स। हम ये हम तो पहले सोचेंगे ना, अच्छा बॉलर है तो घर में भी बैठ के 200 बार बॉल फेंकता है तब जाता है फील्ड पे कि सीधे फील्ड पे ही पहुंचता है, तो वो जो प्रैक्टिस करते हैं उस दौरान हम सीख जाते हैं कि कैसा रोटेशन देने पे बॉल किधर जाए। अरे तूफान में जाके क्रिकेट थोड़े ना खेलोगे यार, घर में जब जाते हैं तो घर में कोई वो फील्ड में जाते हैं तो वहां कोई तूफान चल रही होती है, तूफान उफान होता है तो छतरी समेट के भीतर बैठो, जब हवा हवा बंद हो जाए तब जाओ, अब बॉल फेंकोगे तो बॉल के रेस्पेक्ट में अब एयर का स्पीड दिखेगा या नहीं दिखेगा, किधर दिखेगा, तो बॉल जा रही है उत्तर की तरफ तो हवा दिखेगा पूरब की तरफ जाते, बॉल जा रहा है यदि सामने तो हवा आती दिखेगी पीछे, बॉल के रेस्पेक्ट में फील करो ना यार, ना तुम दौड़ो, हवा नहीं चल रही तो तुम दौड़ो, तुम्हें हवा फील आ रही है ना पीछे चेहरे पे लगता हुआ, बाइक पे बैठ के अच्छे स्पीड में जाओ तो
सकल, जबकि तूफान नहीं है, खड़े रहोगे तो तुम्हें कोई हवा फील नहीं आ रही, लेकिन जब तुम चलते हो अच्छे स्पीड में, तुम्हारे रेस्पेक्ट में हवा किधर जा रही है, पीछे, तो वहां ऐसा ही सीन है। तो बॉल के रेस्पेक्ट में हवा मूवमेंट, फिर उनकी स्पीड, फिर वहां बर्नौली थ्योरम, बॉल का डायमीटर हाइट उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। सोचो ना, यही के लिए कि हवा में ज्यादा देर रहे बॉल, तो वो जो हम लोग गोल्फ खेलने के लिए बॉल देखते हैं, वो उस पे गड्ढा गड्ढा सा कर देते हैं, डॉट 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 डॉट, किसके कारण से कर देते हैं, रफनेस बढ़ाने के लिए, डॉट डॉट या जो भी उसका डिजाइन अलग टाइप का दिखता है, तो वो उसके लिए वो रफनेस बढ़ाने के लिए, एयर को वो ज्यादा अफेक्ट करे, जिसके कारण, और वो शॉट भी हम वैसा मारे जिससे कि उसका रोटेशन वैसा जैसा हम चाहते हैं जनरेट हो, जिसके कारण वो हवा में ज्यादा दे रहे हैं। तो मैग्नस इफेक्ट। अब आप फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए तैयार हैं, आप 55 नंबर के क्वेश्चन तक ट्राई कर सकते हैं अपना बुकलेट जो है उसमें, आई थिंक सो। और सरफेस टेंशन जहां से आए वहां से छोड़ देना, सरफेस टेंशन वाला छोड़ देना, तो मुझे लगता है 45-50 के आसपास तक चले जाओगे, देख लेना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।